मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिग्री ऑफ कंपैरिजन। विद द हेल्प ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन वी कैन कंपेयर वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन थिंग्स टू अनदर थिंग्स, वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एंड वी आल्सो कैन कंपेयर वन पर्सन टू मोर देन वन पर्सन, वन थिंग्स टू मोर देन वन थिंग्स। स्टूडेंट्स, यू नो दैट देयर आर थ्री डिग्री। Which are these three degrees? Number one, positive. Number two, comparative. And number three, superlative. Now first we will see about these three degrees. Positive. When there is no comparison between any person in things or place, at that time we can say that this sentence is in positive. When there is a comparison between only one person to another person, means between two person, between two places, between two things, that is comparative, then we can use. And when one person is compared to more than one person, एक person को एक से ज्यादा person के साथ one place को वन से ज्यादा place के साथ and one things को वन से ज्यादा things के साथ अगर हम compare करते हैं तो वहां पर हम superlative degree use करेंगे। Students, अब हम देखेंगे कि which type of adjective या adverb form we can use in particular degree. So first we will see adjective form of positive degree. So whenever you make a sentence in positive degree, you can use its form as adjective as or as adverb as. Same way you also can use so adjective as. Now this form as adjective as adverb as is used in affirmative sentence. Most of जो positive degree का जो sentence है वो affirmative है, तो हम उसमें यही use करेंगे। You can use so adjective as in negative sentence. Negative sentence में आप so और so adjective as या so adverb as form use करोगे। Second, comparative. So whenever you change the sentence positive into comparative or superlative into comparative, at that time you can use its adjective form, and that is yeah, that is the comparative form of comparative degree. And then first we write the adjective, then we add er, and after it we will write then. Student, अब er कैसे लगेगा वो आप देखते हैं। जैसे कि कोई भी एडजेक्टिव बिग है, आप जानते हो कि बिग है एडजेक्टिव, तो उसके पीछे er कैसे आप लगाते हैं। जैसे कि बिग है, अगर उसका हमें कंपेरेटिव फॉर्म में चेंज करना है तो हम लिखेंगे बिगर। अब बिग का जी का डबल जी यहाँ पर कैसे होगा वो सारे रूल्स आपने लास्ट क्लासेस में सीख गए, इसलिए अभी हम उसको डिप में देखने के लिए कुछ जरूरत पड़ेगा। हम आगे तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने यार लगा, जैसे कि सेकंड एग्जांपल हम ले रहे हैं सॉर्ट, तो वहां पर हम उसका बनाएंगे सॉर्ट का। तो हम अगर कंपेरेटिव फॉर्म लिखना है तो हम एडजेक्टिव के पीछे किया लिखेंगे, और सेंटेंस में लिखना है तो यार के बाद हम देन भी ऐड करेंगे। लेकिन ब्यूटीफुल कैन वी ऐड यार आफ्टर ब्यूटीफुल, क्या हम यार ब्यूटीफुल के पीछे ऐड कर सकते हैं, ब्यूटीफुलर बना सकते हैं? नो, ब्यूटीफुलर तो नहीं अच्छा लगेगा, बन ही नहीं सकता। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मोर लगाना पड़ेगा।
उसके बाद एडजेक्टिव आएगा मोर ब्यूटीफुल देन. क्लियर? ओके. देन नंबर 3 सुपरलेटिव. इन सुपरलेटिव इट्स एडजेक्टिव मीन्स the plus est. वैसे जैसे कि big था तो उसमें हम क्या कहेंगे big est. परसेंटेज में जो एडजेक्टिव है उसके आगे हम the भी लगाएंगे. ओके. लेकिन जैसे कि ब्यूटीफुल था, ब्यूटीफुल में er नहीं लगा तो वही ब्यूटीफुल में est भी नहीं लगेगा. अगर est नहीं लगा तो सिंपल है, हम क्या लगाएंगे? The most and then beautiful. Okay? तो जिसमें या क्या यश नहीं लगता वहां पर हम और या मोस्ट लगा दें. तो यहाँ पर सपोज के ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल को यश नहीं लगता तो इसलिए हम क्या लगाएंगे? उसके आगे मोस्ट लगाएंगे. The most beautiful. Okay? Now इंटरचेंज ऑफ कंपैरिजन ऑफ डिग्री. अब स्टूडेंट हमें ये याद रखना है कि हम जब डिग्री का दूसरी डिग्री में था एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो हमें इसका रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा. कैसे रूल्स को फॉलो करना है तो फर्स्ट हम समझ लेते हैं. जब ओनली हमें कोई वन पर्सन को वन पर्सन के साथ, वन प्लेस को वन प्लेस के साथ या वन थिंग को वन थिंग्स के साथ हमें कंपेयर करना है, एट द टाइम वी यूज ओनली पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री. तब हम ओनली पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री ही यूज कर सकते हैं. ओनली वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एक पर्सन के दूसरा पर्सन का हमें कंपेयर करना है या तो वन प्लेस से दूसरा प्लेस का कंपेयर करना है तब हम सुपरलेटिव डिग्री में वो सेंटेंस बना नहीं सकते. क्लियरली याद रखना है वो चीज. एग्जाम्पल देते हैं, इसका फर्स्ट एक एग्जाम्पल दे देते हैं. सुपरलेटिव डिग्री में ये सेंटेंस बन नहीं सकता है, ये बात क्लियरली याद रखना है. क्यों नहीं बन सकता? बिकॉज बिटवीन टू पर्सन हियर इज कंपैरिजन. ओनली दो पर्सन के साथ ही कंपैरिजन किया हुआ है इसलिए ये जो सेंटेंस है वो सुपरलेटिव डिग्री में नहीं बन सकता है. ओनली पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री में ही वो सेंटेंस बनेगा. ओके. Comparative.
positive and we have to change into comparative. How can we change the sentence? Now we will see that.
other. स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं as adjective, so adjective as form यूज किया हुआ है पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हमें ये देखना है कि इस सेंटेंस को अगर हमें कंपैरेटिव फॉर्म में चेंज करना है तो हमें ये पहले सबसे पहले देखना पड़ेगा कि सेंटेंस अफर्मेटिव है या नेगेटिव है। तो सेंटेंस नेगेटिव है तो अब हम जो सेंटेंस बनाएंगे कंपैरेटिव डिग्री में वो सेंटेंस कैसे बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। चलो तो पहले सबसे उसके बाद दूसरी बात कि जो जिसके साथ कंपेरिजन होनी है वो दोनों पर्सन को इंटरचेंज करना पड़ेगा तो इस ब्रदर को आगे आना पड़ेगा। हिज ब्रदर ओके इज अब ये नेगेटिव है इसलिए हम अफर्मेटिव बनाएंगे। ही हिज ब्रदर इज हमें चेंज इसमें ही करना है क्वेश्चन। स्मार्ट तो स्मार्ट को यह लगेगा स्मार्टर। उसके बाद क्या है देन किस 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 किससे स्मार्ट है तो यहाँ पर तो हिज ब्रदर इज स्मार्टर देन बिल्कुल दोनों का मीनिंग देखिए ही इज नॉट सो स्मार्ट एज हिज ब्रदर। वो उसके ब्रदर का जितना स्मार्ट नहीं था यहाँ पर मीनिंग है कि हिज ब्रदर इज स्मार्टर देन है उसका भाई है वो उससे ज्यादा स्मार्ट है दोनों का मीनिंग देखिए इसलिए हमारा सेंटेंस जो है वो नाउ वी विल सी कंपेरेटिव टू पॉजिटिव। सेम तरीके से जैसे हमने पॉजिटिव में से कंपेरेटिव बनाया या तो अब कंपेरेटिव में से जब पॉजिटिव बनाएंगे तो सब भी वही सेम टू सेम हमें फॉलो करना है। तो एक एग्जांपल दे लेते हैं एक और एग्जांपल दे लेते हैं
एंड हर ब्रदर। अगर इस सेंटेंस को हम एक पॉजिटिव बना रहे तो सबसे पहले तो हम ब्रदर को आगे लाएंगे, तो यहाँ पर हम रिटास ब्रदर लिखेंगे। रिटास ब्रदर इज, ये जो फॉर्म है वो, ये जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है, तो अब हम बनाएंगे वो पॉजिटिव बनेगा, तो मीन्स हमें ये नॉट को निकालना पड़ेगा। इज एज टॉल एज, रिटास ब्रदर इज एज टॉल एज। अब यहाँ पर बेटा था लेकिन हमने बेटा को आगे लाए, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे सी। क्लियर? सो इन एनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस यू कैन कन्वर्ट पॉजिटिव इनटू कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव इनटू पॉजिटिव वेरी इजीली। नाउ वी विल सी इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव इनटू कंपैरेटिव, कंपैरेटिव इनटू सुपरलेटिव, पॉजिटिव इंटू सुपरलेटिव एंड सुपरलेटिव इंटू पॉजिटिव। ओके स्टूडेंट्स, देन नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंटरचेंजेबल। तो अभी हमने तो देखा कि पॉजिटिव टू कंपैरेटिव कैसे करना है, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव कैसे करना है, लेकिन अगर कोई वन पर्सन की कंपैरिजन मोर देन वन पर्सन के साथ, वन प्लेस की कंपैरिजन मोर देन वन प्लेस के साथ, वन थिंग की कंपैरिजन मोर देन वन थिंग्स के साथ, तो हम वो सेंटेंस को तीनों डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो सम, देयर आर सम रूल्स टू कन्वर्ट अ वन सेंटेंस वन डिग्री सेंटेंस इनटू अनदर टू डिग्री। अगर जो भी सेंटेंस, अगर कोई भी सेंटेंस होगा तो वो सेंटेंस इस तरीके से होगा। तो अगर ऐसा कोई भी सेंटेंस है तीनों में से, जो पार्ट हमने देखा यहाँ पर, तो उसमें से कोई भी सेंटेंस होगा, जैसे कि एक कोई सेंटेंस है दयेश वाला, तो वो सेंटेंस हम पॉजिटिव पॉजिटिव में नो अदर्स हो ऐसे बनाएंगे, कंपैरेटिव में इंग्लिश की देन एनी अदर से बनाएंगे। सेम तरीके से अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री वाला वेरी गुड से बना है, वेरी गुड से हुआ है, तो वो सेंटेंस आप अगर सुपरलेटिव में बनाना चाहते हैं तो वन ऑफ द ईयर से बनेगा, या तो ईयर देन वॉश अदर से बनेगा। तो अब शुरू करते हैं प्रश्न के, जो सेंटेंस हमें दिया है उसमें दो ईएसटी है, अगर सुपरलेटिव में सेंटेंस है तो दो ईएसटी होगा, कंपैरेटिव में होगा तो ईयर देन होगा, ईयर देन एंड एनी अदर होगा, और पॉजिटिव में होगा तो नो अदर एंड सो एज। तो अगर इन तीनों में से कोई एक सेंटेंस है और उसका हमें कन्वर्ट करना है, तो उसके अनदर दो जो दूसरी डिग्री से, जैसे कि सुपरलेटिव है तो कंपैरेटिव पॉजिटिव का फॉर्म में इस तरह से हमें चेंज करना है। तो द ईएसटी तो ईआर देन एनी अदर एंड नॉट अदर सो एज इन पॉजिटिव। स्टूडेंट्स हम एग्जांपल थ्रू उसको बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, फर्स्ट रूल्स का then
any of the sitting in India. देख सकते हैं दो ईयर भी कौन था और उसका ईयर देन एनी अदर तो ईयर देन एनी अदर हुआ मुंबई इज लार्जर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया. अब वही उसको ही हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो नो अदर. जैसे हम पॉजिटिव टू कंपैरेटिव और कंपैरेटिव टू पॉजिटिव कर रहे हैं उसका प्लेस जो जिसका कंपैरिजन हुआ है उसको हम इंटरचेंज करते हैं तो यहाँ पर भी वही करना है. तो हम नो अदर से सेंटेंस से करते हैं No other city, no other city in India, okay, no other city in India, okay, उसके बाद क्या है so as, तो so large as Mumbai. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तीनों सेंटेंस है मुंबई इज द लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया मुंबई इज लार्जर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया नो अदर सिटी इन इंडिया सो लार्ज एज मुंबई वो तीनों का मीनिंग सेम उसके मीनिंग में कोई भी चेंज नहीं आया है और वही तो हमें करना है मीनिंग में चेंज लाना नहीं. ओके नंबर टू सेकेंड रोज देखते हैं हम जैसे कि अभी हमने जो सेंटेंस था वैसे तो ऐसा अगर कोई सेंटेंस है नॉट द ईयर नॉट ईयर देन सम या तो सम और फिर एटलीस्ट एस एडजेक्टिव है तो अगर इसके तीन फॉर्म में से कोई भी एक में दिया सेंटेंस तो हम उसके अनदर टू डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे. चलो इसका वाला एग्जांपल देखते हैं.
वन ऑफ द ईयर्स। अगर जो सेंटेंस हमें दिया है वो वन ऑफ द ऐसा कोई सेंटेंस है वन ऑफ द, तो वो कैसे बनेगा? यस वेरी मोस्ट ऑफ से बनेगा और पॉजिटिव है वेरी फ्यू से बनेगा। चलो देखते हैं। अशोका इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडिया। यहां पर आप देख सकते हैं वन ऑफ द ईएसटी, वन ऑफ द ईएसटी। ओके, तो वन ऑफ द ईएसटी है तो ये सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? या देन और मोस्ट अदर। तो अशोका इज ग्रेटर देन, इसके बाद क्या है? ग्रेटर देन मोस्ट अदर। यहां पर भी हमें मोस्ट अदर है, ग्रेटर देन मोस्ट अदर रूलर ऑफ इंडिया। और वही सेंटेंस को अगर आप पॉजिटिव डिग्री में बनाना चाहते तो वेन कैसे बन जाए? वेन यू वेरी वेरी यू रूलर्स ऑफ इंडिया। Very few rulers of India as sorry are as great as Ashoka। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो स्टूडेंट के अशोका इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडिया, अशोका इज द ग्रेटर देन मोस्ट अदर रूलर rulers of India and the very few rulers of India are as great as Ashoka। वो तीनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है। लास्ट रूल हम देखते हैं। यहाँ पर जो है वो आपको हमें थोड़ा चेंज करना है। यहाँ पर हम जिसकी कंपैरिजन हो रही थी सुपरलेटिव कंपैरेटिव कन्वर्ट करने के लिए, तो यहाँ पर जिसकी कंपैरिजन हो रही थी वहां पर हमको कोई चेंज नहीं करना। देखिए यहाँ पर थोड़ा चेंज होगा। एग्जाम्पल देते हैं। Boys in the class
अदर बॉय सिंगल आता है, एक सिंगल बॉस है बट आप पीछे भी दे सकते हो लेकिन हम एक ही साथ करेंगे। तो सम अदर बॉयज इन द क्लास आर क्लेवर देन ही, क्लियर? सम अदर बॉयज इन द क्लास आर क्लेवर देन ही। यहां पर ऐसा भी लिखा कि इट्स नॉट वन ऑफ द क्लेवरेज, वो क्लास में जितने भी बॉयज थे उसमें से मिस के सबसे ज्यादा क्लेवरेज नहीं, तो उसका मीनिंग ये हो कि दूसरे भी अदर बॉयज है कि जो उससे ज्यादा क्लेवर। और वही सेंटेंस को पॉजिटिव में लिखना चाहते हैं तो हम बताएंगे अब पॉजिटिव टू काम में लिखे, यहां पर सब अदर था ओके और ही पीछे है, लेकिन हम जब जब भी हम कोई भी सेंटेंस कंपेरेटिव टू पॉजिटिव या पॉजिटिव टू कंपेरेटिव में चेंज कर रहे हैं तब हम उसको इंटरचेंज करना है, उसकी प्लेस को हमें चेंज करना है। तो ही को फिर से हम आगे लाते हैं, ही इज नॉट सो क्लेवर एस, ही इज नॉट सो क्लेवर एस, ओके याद रखिए। उसके बाद सो अदर some other boys in the class, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ये भी देख सकते थे, यहाँ पर जो थ्री सेंटेंस हमने बनाए हैं, he is not one of the favorite boy in the class, some other boys in the class are cleverer than him, and he is not so clever as some other boys in the class। तो तीनों सेंटेंस के मीनिंग सेम, और मोस्ट ऑफ हमें ये जो सेंटेंस है ये जो फॉर्मूल्स है उसको ही ज़्यादा हमें ध्यान में रखना है, याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में जो सेंटेंस आते हैं वो इसमें से ही कोई एक सेंटेंस होगा। तो हमें कोई भी सेंटेंस को इजीली हम वन डिग्री में से दूसरी डिग्री में कन्वर्ट इस तरह से हम कर सकते हैं, लेकिन हमें ऑनलाइन इसके जो रूल्स हैं जो जिसको हमें फॉलो करना है वही हमें याद रखना है। और दूसरी बात हमें ये भी याद रखना है कि अगर हम वन डिग्री में से दूसरी डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तब एक ही चीज़ आपको मेन याद रखनी, तो वो सेंटेंस का मीनिंग चेंज होना चाहिए।